नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम सिंधी सौगात में तव्हांजो हार्दिक स्वागत आहे। दोस्तों दोस्तों जेको पाण जागे ऐं ॿियनि खे समाज खे जागारे उनखे चइबो आहे साहित्यकार। हिकु मशहूर लेखक चयो आहे त जेतिरी ताक़त बुलेट में हूंदी आहे यानी कि बंदूक में हूंदी आहे, ओतिरी ही ताक़त कलम में बि हूंदी आहे। फ़र्क़ु इहो ई आहे कि बुलेट ॿियनि खे ॾकाईंदी आहे ऐं कलम त हिकु क्रांति आणींदी आहे, बशर्ते कि उन में सच चवण जी ताक़त हुजे। दोस्तो तव्हां मुंहिंजे कुझु अखरनि मां एतिरो सम्झी त विया हूंदा कि अॼु असां जेको विषय हूंदो जंहिंसां मुलाक़ात कंदासीं उहो हिकु साहित्यकार हूंदा। जी हा दोस्तो, तव्हांजो अंदाज़ो बिल्कुलु सही आहे। दोस्तो अॼु असां कंदासीं हिकु अहिड़े साहित्यकार सां मुलाक़ात जिन साहित्य जे हर जोनर में, चाहे उहो कहाणी हुजे, कविता हुजे, नाटक हुजे, हिदायतकारी हुजे, आलोचना हुजे, संपादन कार्य हुजे, हर जोनर में हुननि पंहिंजी कलम जो योगदान ॾेई करे सिंधी साहित्य खे ऐं उन खां सवाइ हिंदी ऐं गुजराती साहित्य खे बि समृद्ध बणायो आहे। दोस्तो अॼु असां मुलाक़ात कंदासीं श्री नामदेव ताराचंदानी, जेके बड़ौदा निवासी आहिनि ऐं जेके हींअर मर्कज़ी साहित्य अकादमी जा सिंधी भाषा जा सिंधी सलाहकार मंडल जा कन्वीनर आहिनि। त दर्शक मित्रों, मां तव्हां सभिनी जे तरफ़ां उन्हनि जो हार्दिक स्वागत थी कयां। दादा नमस्कार, तव्हांजो स्वागत आहे हिन कार्यक्रम में। नमस्ते। दोस्तो श्री नामदेव ताराचंदानी हींअर मर्कज़ी साहित्य अकादमी में सिंधी सलाहकार मंडल जा कन्वीनर आहिनि यानी कि संयोजक आहिनि, ऐं उन खां पहिरीं ॿ दफ़ा उहो उन जा मेंबर यानी कि उन सलाहकार मंडल जा मेंबर बि रही चुका आहिनि, ऐं उन खां सवाइ गुजराती साहित्य अकादमी में एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी में बि मेंबर रही चुका आहिनि, ऐं इन खां सवाइ भारत जी ज्ञानपीठ विद्यापीठ में पण उहो मेंबर रही चुका आहिनि। त दोस्तो हींअर तव्हां इजाज़त ॾींदा दादा, तव्हां असां पंहिंजे विषय सां मुखातिब थियूं। दादा सही। दादा जीअं त मां दर्शकनि खे मां ॿुधाई आहे, तव्हां हींअर साहित्य अकादमी में तव्हां सिंधी सलाहकार मंडल जा कन्वीनर आहियो, त जेका साहित्य अकादमी मर्कज़ी साहित्य अकादमी आहे उहो साहित्यकारनि खे असांजे सिंधी समाज खे कहिड़े कहिड़े नमूने मदद कंदी आहे, कहिड़ी कहिड़ी स्कीम्स आहिनि उन जूं? नेशनल साहित्य अकादमी तौरु सुञातल साहित्य अकादमी सिंधीअ खां सवाइ भारत जे सभिनी भाषाउनि में, 24 भाषाउनि में साहित्यिक प्रवृति कंदी आहे। उन्हनि जा तमामु घणा ई कम आहिनि। सभ खां वधीक त उनजो जेको हिकु वॾो कमु आहे उहो आहे, हूअ 24 भाषाउनि में किताब छपाईंदी आहे, किताब लिखाईंदी आहे, ऐं दुनिया जी वॾे में वॾी अहिड़ी संस्था आहे जेका एतिरनि भाषाउनि में कमु कंदी आहे। तंहिंखां सवाइ 24 भाषाउनि जा 24 बोर्ड हूंदा आहिनि, हर बोर्ड में 10 मेंबर हूंदा आहिनि, उन्हनि जो हिकु कन्वीनर हूंदो आहे। साहित्य अकादमी को बि निर्णय पाण न कंदी आहे, उहो हर भाषा जो बोर्ड कंदो आहे, ऐं उन बोर्ड जे जी मदद सां उन भाषा जे लेखकनि खे साहित्य अकादमी क़िस्म क़िस्म जी स्कीम में घुराईंदी आहे। मिसाल तौरु सभिनी भाषाउनि में सॼो साल साहित्यिक प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि। सिंधीअ में बि साल में अटिकल 15-20 प्रोग्राम थींदा आहिनि। उन्हनि प्रोग्रामनि में हिकु त सेमिनार हूंदा आहिनि जेको ॿिनि ॾींहंनि जो हूंदो आहे, सिम्पोज़ियम हूंदा आहिनि, जनम शताब्दी हूंदी आहे, तंहिंखां पोइ उन जा मीट द ऑथर, थ्रो माई विंडो, अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम हूंदा आहिनि जिन में साहित्यकारनि सां मुलाक़ात थींदी आहे। मीट द ऑथर में बि लेखकनि खां हिकु पब्लिक जे साम्हूं मुलाक़ात वरिती वेंदी आहे। क़िस्म क़िस्म जा प्रोग्राम करी रहंदी आहे, नारी चेतना आहे। इन तरह सभिनी भाषाउनि जे लेखकनि सां साहित्य अकादमी जुड़ियल आहे, ऐं सिंधीअ खे बि 24 भाषाउनि में जेके बि वॾियूं भाषाऊं आहिनि या नंढियूं भाषाऊं आहिनि सभिनी खे हिकु जेतिरो पूरो मौक़ो मिलंदो आहे। इहा साहित्य अकादमी जी ख़ासियत आहे। सिंधीअ में बि हर कंहिं भाषा में भाषा जा सभु कम थींदा आहिनि। 1959 में सभ खां पहिरियों साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिलियो हुओ सिंधीअ खे, माना 60 सालनि खां इहे प्रवृति सिंधीअ सां लागू आहे। एतिरो ई न, साहित्य अकादमीअ जे किताबनि खां सवाइ, प्रोग्रामनि खां सवाइ, साहित्य अकादमी विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया तयारु कराईंदी आहे, हर कंहिं अदीबनि ते मोनोग्राफ लिखाईंदी आहे, मतिलबु उनजा तमामु घणा कम आहिनि, ऐं सॼो साल उहो प्रवृति रहंदी आहे। 5 इनाम साहित्य अकादमी जा हर साल मिलंदा आहिनि हर भाषा खे, जंहिंमें मेन अवार्ड आहे साहित्य अकादमी अवार्ड, तंहिंखां पोइ भाषा सम्मान, उनखां सवाइ बाल साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार ऐं
अनुवाद पुरस्कार ने किस्म जा प्रकार पुरस्कार भी जी हर भाषा के मिलना आहिनि तीअं सिंधीअ खे बि ॾिना वेंदा आहिनि। अच्छा दर्शक मित्रों, जी मां तव्हांखे पहिरीं जेके जोनर ॿुधाया साहित्य जा, हिकु लंबी लिस्ट हुई दादा, हर जोनर में कमु कयो आहे, त एतिरी ही लंबी लिस्ट आहे उन्हनि जे प्राप्त थियल अवार्डनि जी। तव्हांखे ॿुधी करे बेहद ख़ुशी थींदी त पहिरियों जेको अवार्ड मिलियो आहे दादा खे 1976 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ़ां, जेको हुननि पंहिंजी हिकु सिंधी किताब खे गुजराती में लिखियो आहे, जेको सिंधी किताब जंहिंजो नालो हुयो जोड़ कट, जंहिंखे हुननि गुजराती में लिखियो वत्ता ओछा, त पहिरियों हुननि खे इहो अवार्ड मिलियल आहे। उन खां सवाइ त लंबी लिस्ट आहे जीअं मां ॿुधाइणु चाहींदमि त गुजरात गौरव पुरस्कार उनखे प्राप्त थियल आहे, उन्हनि जे हिकु कविता जो संग्रह आहे अठों सुर, उन्हनि खे बि उनमें उन्हनि खे अवार्ड मिलियल आहे। उन खां सवाइ अखिल भारतीय साहित्य ॿोली ऐं साहित्य सभा उन जयपुर तरफ़ां उन्हनि खे उहे सन्मानित थियल आहिनि हिकु साहित्यक अवार्ड तरफ़ां। ऐं सभिनी खां वधीक जेको मां ज़िक्र करणु चाहींदमि ऐं दादा खां बि उनजे बारे में जानकारी मां पुछणु चाहींदसि, उहो आहे हुननि जो साहित्य अकादमी तरफ़ां जेको पुरस्कार उन्हनि खे मिलियल आहे मनुष्य नगरी किताब ते, जेका हिकु लंबी कविता महाकाव्य जंहिंखे चइजे, उन कविता ते मिलियल आहे। त जेको हुनजो नालो आहे मनुष्य नगरी, त दादा तव्हां उन ते अवार्ड सां सन्मानित थियल आहियो, त उनजी जानकारी असांखे ॾियो विशेष मां चाहींदमि विस्तार सां। ऐं दर्शक मित्रो, उन सब्जेक्ट ॿुधण खां पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त मनुष्य नगरी किताबु हिकु अहिड़ो किताबु आहे जंहिंमें फिलसुफ़ियुनि जे सभिनी सिद्धांतनि खे दादा कवर कयो आहे। असांजे वेदांत खां वठी जेके 5000 साल पहिरीं भारत खे जेको हिकु वरदान मिलियो आहे वेदांत, उन्हनि जो उन्हनि मां गीता जे ज्ञान मां, महावीर जी तपस्या मां, गौतम बुद्ध जे शांति संदेश मां, कबीर जे जेका भक्ति आहे कर्मयोगी उन मां, उन खां सवाइ जेको आधुनिक असांजो फिलासोफर थी गुज़रियो आहे ओशो रजनीश, उनजो जेको तर्क हूंदो हुयो उन मां बि तव्हां हिकु निचोड़ कढी करे अतुर कढी करे असांखे तव्हां ॾिनो आहे, उनजे बारे में असांखे ॿुधायो। साहित्य अकेडमी जी हिकु स्कीम हुई राइटर इन रेसिडेंसी, उन स्कीम जी स्प्रिट भावना इहा हुई त साहित्यकार 6 महीना किथे ॿाहिरि वञी करे एकांत में साहित्य रचना करे। उन क़िस्म जी स्कीम में मूंखे घुरायो वियो ऐं मां घर खां ॿाहिरि त वञी न सघियुसि उन वक़्तु हालतुनि जे करे, पर मां पंहिंजे ई शहर जे गेस्ट हाउस में वञी करे काफ़ी महीना रहियुसि ऐं हीअ रचना लिखी। हीअ हिकु अजीब क़िस्म जो अनुभव हुयो जो एकांत में अकेलो माण्हू वेही करे साहित्य रचना करे ऐं बिल्कुलु लंबी फुर्सत सां सोचे सघे, पढ़ी सघे, लिखी सघे, त मूंखे हीउ मौक़ो मिलियो। ऐं जेको मुंहिंजो रस जो विषय हुयो फिलासॉफी दर्शन, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, उन विषय ते हीअ किताबु ॿधलु आहे। हिन किताब जी टैगलाइन आहे लॉन्ग पोएम ऑफ ह्यूमन क्यूरसिटी, जेका मनुष्य जी जिज्ञासा आहे। असां हिन जगत में आया आहियूं ऐं उन में जेके जेके वक़्तु वक़्तु परिवर्तन थींदा रहिया आहिनि वेदनि जे ज़माने खां वठी सार्त्र ताईं ओशो ताईं, उन सॼे सिलसिले जी सोच उन चिंतन हिन किताब में कविता जे रूप में पेश कयो आहे। हिन में 8 चैप्टर आहिनि। गीता छा थी चए, वेद छा था चवनि, जैनिज़्म जो जेको धर्म आहे जंहिंमें हिकु जैन धर्म ऐं हिकु बौद्ध धर्म, उन्हनि में ईश्वर जो अस्तित्व स्वीकार न कयो वियो आहे। भारत में 2 अहिड़ा धर्म आहिनि। तंहिंखां पोइ ओशो जो बि चिंतन अलॻि क़िस्म जो आहे। जॉन पॉल सार्त्र जेको मुंहिंजो प्रिय राइटर आहे फ्रांस जो वॾो चिंतक रहियो आहे, उन जी फिलोसॉफी बि हिन मूं खईं आहे। हीअ सॼी फिलोसॉफीअ जे बैकग्राउंड में मनुष्य ऐं हीअ पूरी काइनात उनजो पाण में कहिड़ो संबंध आहे, उनजो ई हिकु चिंतन जो विषय आहे। मूं किताब में हिकु लाइन लिखी आहे जेका सभिनी खे ॾाढी अजीब लॻी आहे, त महिरबानी करे हीअ किताबु तेसिताईं न पढ़ो जेसिताईं तव्हांखे पूरी तरह फुर्सत न आहे, छो त घणा माण्हू किताबु पढ़ंदा न आहिनि पूरो कंदा आहिनि। हीअ किताबु अहिड़ो न आहे जो माण्हू जल्दी जल्दी पढ़ी करे ऐं सम्झी वठे। हिन किताब जो लुत्फ़ु माणण लाइ तमामु घणो धीज खपे, न फ़क़त लिखण लाइ पढ़ण लाइ बि खपे। इन तरह मनुष्य नगरीअ में हिकु चिंतन काव्य जी मां कोशिशि कई आहे जेका माण्हुनि खे ॾाढी पसंदि आई आहे।
हिन जो जेको देवनागरी वर्जन आहे उन में सिंधीअ जे 30 खां वधीक लेखकनि जा ख़त बि मूं छपिया आहिनि जिन हिन किताब जे बारे में पंहिंजा राया लिखिया आहिनि, डिटेल में विस्तार में पंहिंजो उनजो अभिप्राय ॾिनो आहे। दादा तव्हां मुंहिंजी ज़ुबान जा अखर खणी वरिता। मूंखे दर्शकनि खे ॿुधाइणो हुयो त जॾहिं मां इहो किताबु पढ़ियो ऐं जीअं किताबु खोलियो त दादा जीअं ॿुधायो उहो पहिरीं सिट इहा ई लिखियलु हुई कि धीरज वारी वांदिकाई मिलण ताईं इहो किताबु न पढ़ण जो अर्ज़ु। दादा इहे लिखियलु आहे न? हा, सही आहे। त पहिरीं मूंखे आश्चर्य लॻो, अजब लॻो, ऐं जॾहिं मां किताबु पढ़ियमि तॾहिं मूंखे लॻो सचमच में जेको तव्हां लिखियो आहे पहिरीं तमामु सुठो आहे कि जेसिताईं ऐं ॿी तव्हां हुन में हिकु सिट ॿी बि लिखी आहे कि त कविता करण बि ॾुखी त कविता पढ़ण बि ॾुखी। दादा इहा बि तव्हां हुन में लिखी आहे, हुन कविता खे मां महसूसु कयो, सिर्फ़ु पढ़ियो न कि सचपच। पर दादा मूंखे ॾाढी जिज्ञासा इहा बि थी तव्हांजे लाइ कि इहो लिखण लाइ तव्हांखे घणा किताब पढ़णा पिया, घणो टाइम लॻो दादा तव्हांखे? हिन किताब लिखण लाइ ख़ासि किताब त घणेई पढ़णा पिया, उहा त हक़ीक़त आहे, पर मां हिंदीअ जो अध्यापक रहियो आहियां। मूं सूर, तुलसी, मीरा, कबीर पढ़ाया आहिनि, बिहारी अहिड़ा वॾा वॾा कवि, ऐं ख़ासि करे कबीर खे पढ़ाइण वक़्तु मूंखे ईअं लॻंदो हुयो त ही कहिड़ो ज़मानो हूंदो जॾहिं कबीर खे इहो चवण जी ज़रूरत पई ऐं ज़रूरत थी त कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ॾियो चुनाए, तापे चढ़के मुला मांग ॾे, क्या बहिरा भया खुदाए। अहिड़ी अभिव्यक्ति करण वारनि ने अहिड़नि कवियुनि जो कहिड़ो ज़मानो हूंदो, त मूंखे ॿुध ऐं कबीर जी फिलासफीअ काफ़ी मोहियो ऐं इहो चिंतन त मुंहिंजो हलंदो रहंदो हुयो घणनि सालनि खां। पर इन क़िस्म जी सोच वीचार खे कविता जो रूप ॾियण जो मौक़ो घणो पोइ मिलियो, ऐं मुंहिंजो पहिरियों खां रस रहियो आहे। जॉन पॉल सार्त्र जेको फ्रांस जो मुंहिंजो प्रिय फिलोसोफर आहे, उनजी फिलोसफीअ बि मूंखे ॾाढो मोहियो, ऐं इन तरह मां इहे जंहिंखे चइबो न मानसिक तयारी त सालनि खां थींदी रही त कुझु न कुझु मां कंदुसि, ऐं जॾहिं उहो मौक़ो मिलियो साहित्य अकादमी जी स्कीम में तॾहिं मां ॾाढो आराम सां फुर्सत सां इहो करे सघियुसि। दर्शक मित्र, मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त दादा हींअर बड़ौदा निवासी आहिनि ऐं इन खां पहिरीं भावनगर जी हिकु कॉलेज में उहो प्रोफेसर रहिया, HOD हिंदी डिपार्टमेंट में रहिया हुया। दादा जीअं मां ॿुधो आहे तव्हांजे बारे में त तव्हां हर जोनर में तव्हां पंहिंजे कलम त आज़माई आहे, पर तव्हांजो प्रिय विषय कविता आहे न शायदि? हा, मुंहिंजो प्रिय विषय कविता आहे, इन करे तव्हां हुन में एतिरो निचोड़ कढी सघिया आहियो कविता में। ऐं दादा कविता तव्हां हिकु ॿियो ना यादि आयो त दादा जी ॿ कविताऊं तमामु घणियूं मशहूरु आहिनि। हिकु कविता आहे गूंगी ॿोली, जेका दादा लिखी उन खां पोइ सिंध में ऐं हिंदी में ॿिन्ही में लॻभॻि 10 दफ़ा त पंहिंजो पाण ई शायदि थी आहे, पब्लिश थी आहे, ऐं उन खां सवाइ घणनि ई भाषाउनि में हिंदी ऐं अंग्रेज़ी में उहा ट्रांसलेशन थी चुकी आहे उहा कविता। ऐं ॿी कविता आहे ॿुढापो, ॿुढापे में हुननि ॿुढापे जी उमिरि जी अकेलाइप, हुनजी लाचारी कहिड़ी कहिड़ी थींदी आहे, उनजो हुननि बिल्कुलु अहसासु करायो आहे। जेकॾहिं कोई माण्हू ॿुढो न बि हूंदो तॾहिं बि हुनखे अगरि पढ़ंदो त हुनखे हुन उमिरि जो अहसासु थींदो, ऐं उहा बि रेडियो तां सभिनी भारतीय भाषाउनि में ब्रॉडकास्ट थी चुकी आहे। त दादा खां पर दादा हिकु ॻाल्हि जो मूंखे अजब इहो लॻे थो, मां सम्झां थी दर्शक मित्रनि खे बि थींदो, त जेका ॿोली आहे, ॿोली त सभिनी जी ज़ुबान तां सभिनी जी ज़ुबान खे भाषा ॾींदी आहे, त तव्हां उनजो नालो रखियो आहे गूंगी ॿोली, त उनजो छा कारण आहे? अंजलि दीदी, गूंगी ॿोली हिकु सकरा आहे, हिकु दाह आहे, हिकु पुकार आहे। असांजी ॿोलीअ जी जेका हालति आहे, उन जे विजूद जो जेको संकट आहे, उन जो हिन में रिफ्लेक्शन थियो आहे। चवंदा आहिनि कविता मना व्यंजना, गूंगी ॿोली या काई बि कविता या कोई बि शीर्षक हुजे या कविता जो कोई बि कविता जी सिट हुजे, उनजो हिकु उनजी हिकु व्यंजना कविता जी पेशकश करे थी। गूंगी लफ़्ज़ इहा व्यंजना थो ॾे त शायदि वक़्तु अची रहियो आहे, असांजी भाषा ख़तमु थी रही आहे ऐं धीरे धीरे असांजी भाषा शायदि गूंगी थी वेंदी। इहो हिकु डपु हिन कविता में रखियलु आहे। काफ़ी लंबी कविता आहे, सिंध असां छॾीसीं, उनखां पोइ जे माहौल खां शुरू थी करे
आस्ते आस्ते असांजूं हालतूं कीअं बदिलजी रहियूं आहिनि, असां कहिड़े दौर में गुज़री रहिया आहियूं ऐं शायदि असां उन दिशा में वञी रहिया आहियूं जो धीरे धीरे असांजी ॿोली ॻाल्हाई न वेंदी, लिखी न वेंदी, पढ़ी न वेंदी। असांजा किताब जेके आहिनि उन्हनि जा जेके रंगीन पना आहिनि उन मां असां नंढियूं ॿेड़ियूं ठाहींदासीं, जेके दरिया शाह में जेके असां पाणीअ में तारींदासीं। मतिलबु उन कविता जे ज़रिए इहो ॿुधायल आहे त असांजी भाषा धीरे धीरे गूंगी थी रही आहे ऐं शायदि असां भाषा खे बचाए न सघूं, इहो डपु हुन में समायल आहे। दादा, मां सम्झां थी जेको डपु तव्हांखे तव्हां पंहिंजे कविता में ॾिनो आहे, उहो दुख दर्द जेको आहे तव्हां उहो तव्हांजी उमिरि जा जेके बि असांजी पीढ़ी आहे, जेका सिंध वक़्तु विरहाङे वक़्तु पार्टीशन वक़्तु हिंदुस्तान में, उन्हनि सभिनी खे आहे, असांजी पीढ़ीअ खे बि आहे, नई पीढ़ीअ खे शायदि न बि हुजे। पर हिकु सवाल हिते इहो थो थिए त कोशिशूं बि घणी थी रहियूं आहिनि पंचायतुनि तरफ़ां, संस्थाउनि तरफ़ां, सरकारी लेवल ते जीअं मरकज़ी साहित्य अकादमी आहे, NCPSL आहे, पर आख़िर इहो सवाल थो थिए की असांजी उन भाषा जो भविष्य छा थींदो ऐं कहिड़े नमूने थींदो, उहो थोरो असांजे सभिनी उन्हनि जिन खे दर्द आहे उन्हनि खे ॿुधायो प्लीज़। मां थोरो हक़ीक़त शनासीअ तरफ़ राय रखंदो आहियां। घणा माण्हू चवंदा रहंदा आहिनि असांजी भाषा खे कोई जोखम कोन्हे, कोई लहर लोडो कोन्हे, पर उहो चवण वारनि जे हूंदे ई असांजी भाषा ख़तमु थी रही आहे, इहा त हिकु हक़ीक़त आहे। जेका हक़ीक़त आहे, जेकॾहिं असां अखियूं पुटींदासीं त उहा कई उन सां बची न वेंदी। ज़रूरत त इहा आहे त असां हक़ीक़त ते नास थियूं। असांजा शाइर नारायण श्याम चई विया आहिनि, अला इएं न थिए जो किताबनि में पढ़िजे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। असांजे अहमदाबाद जे शाइर अर्जन हासिल बि चयो आहे, ज़िंदह सा क़ौम रहंदी जंहिंजी ज़बान ज़िंदह। जॾहिं उन्हनि शाइरनि असांजे ॿोलीअ जो जे संकट जी चिंता जीअं कई आहे, मां बि इन कविता में उहा ई पेश कई आहे। हाणे सुवाल थो उते त आख़िर सिंधीअ जो हाल कहिड़े कीअं थींदो। जेकॾहिं असां सिंध में जेका सिंधी ॿोली ॻाल्हाई थी वञे, सिंध में तमामु घणे तइदाद में सिंधी साहित्य जो वॾो ख़ज़ानो आहे, उते उन्हनि खे सिंध जो प्रांत आहे, पर जे उनखे असां हिकु पासे रखूं त भारत में सिंधीअ खे बचाइणु मूंखे लॻे थो बिल्कुलु मुश्किल आहे। शायदि तव्हांखे या दर्शक मित्रनि खे बि इहो अखर कौड़ो लॻे, पर मां त शायदि ईअं सम्झंदो आहियां त सिंधीअ जी हालति संस्कृत जहिड़ी थी रही आहे। जीअं संस्कृत भाषा ॾाढी महान आहे, पर व्यवहार में उन जो असां उपयोगु घणो ज़रे घटि काफ़ी हद ताईं नथा कयूं, नथो कयो वञे। तीअं सिंधी बि कंहिं हद ताईं अञा बि कुझु सौ साल स्पोकन लैंग्वेज रही सघे थी, पर व्यवहार में मूंखे लॻे थो उन जो उपयोगु असां बचाए न सघंदासीं। दादा, मूंखे हिकु ॻाल्हि जी ॾाढी बेहद ख़ुशी थी की तव्हां केतिरो सचाई सां, निर्भयता सां चयव कंहिं बिना नाटक जे के मां भई असांजी भाषा जो भविष्य जेको छा थी सघंदो उन तां चयो। त हिकु उन सां गॾु मूंखे हिकु ॿियो बि सवालु थियो, तव्हांखे हर वक़्तु जेके मां ॿ सवाल कया आहिनि पहिरीं बि इन ई टाइप जा कया आहिनि, मनुष्य नगरीअ लाइ बि, गूंगी ॿोली लाइ बि, हिकु टियों जेको तव्हांजी किताब जो टाइटल आहे सच चवण जी छूट, मूंखे वणियो बि ॾाढो ऐं उन लाइ जिज्ञासा बि थी की इहो सच चवण जी छूट इन जो छा कारण आहे, उन किताब में छा आहे, उहा जानकारी असांजे दर्शकनि खे ॾींदा प्लीज़। सच चवण जी छूट हिकु मुख़्तसर रिव्यू जो मुंहिंजो जो कॉलम हुयो जेको टे साल हलियो, रचना सिंधीअ जी जेका टिमाही मैगज़ीन हलंदी निकिरंदी आहे, उन जे इशू जेको बि इशू अचे पियो उन इशूअ ते मां हिकु विस्तार सां रिव्यू कंदो हुउसि जेको उन जे ॿिए इशू में छपजंदो हुयो। इहो टे साल मुंहिंजो कॉलम हलियो ऐं इन कॉलम जो इतिहास त इहो आहे त हिकु तरफ़ उहो ॾाढो लोकप्रिय हुयो जो केतिरा माण्हू ईअं केतिरनि माण्हुनि अहिड़ो रायो लिखियो आहे, शाया बि कयो आहे त असां इहो कॉलम सभ खां पहिरीं पढ़ंदा हुआसीं, हालांकि मैगज़ीन में त लास्ट में ईंदो हुयो, पछाड़ी में ईंदो हुयो। इन कॉलम जो इतिहास जो ॿियो पासो इहो आहे
त उन्हनि तमामु घणनि काफ़ी माण्हुनि खे दुख बि पहुचायो। हक़ीक़त हीअ आहे त मां हीअं त मुंहिंजो साहित्य में प्रिय विषय कविता आहे, पर छाकाणि त मां साहित्य जो प्रोफेसर थी रहियो आहियां, इन करे मुंहिंजो हिकु ॿियो रोल बि आहे क्रिटिक जो, नकार जो, आलोचना करण जो। त आलोचना जे सिलसिले में मूंखे अक्सर शिकायत इहा पई रहे त घणो करे आलोचना करण वारा साम्हूं वारे खे सुठो लॻे उन जो ख़्यालु रखी करे सच चवण खां बचंदा रहंदा आहिनि। मूं इहो तरीक़ो पंहिंजी आलोचना में क़बूलु न कयो। मूंखे ईअं लॻो त सुठे खे सुठो चवण जो त बराबरि ज़रूरु आहे, पर जेका शइ सही नथी लॻे उनखे ग़लति चवण जी बि असां में हिमत हुअणु खपे, ऐं साम्हूं वारे खे सही त उहो ई फ़ाइदो त उहो ई पहुचंदो जेकॾहिं उनखे सचु पतो पवंदो त हुनजो जेको साहित्य आहे सो एवरेज आहे, बेलो एवरेज आहे या सुठो आहे। जेकॾहिं असां सभिनी खे सुठो चवंदासीं त पाण उनखे वधीक फ़ाइदे बदिरां नुक़सानु पवंदो, उहो उनखे गाइड न कंदो। त आलोचना जो हिकु मक़सदु आहे त तव्हांखे खीर जो खीरु, पाणी जो पाणी करे ॾेखारिणो आहे। मूं इन क़िस्म जे हिन कलम में ॻाल्हि सच खे सच चवण जी जेका मूं जुजत कई, जंहिंजे करे के दोस्त नाराज़ बि थिया, छाकाणि त मूंखे सच चवण जी ज़रूरत हुई, इन करे मां हिन कलम जो नालो रखियो सच चवण जी छूट, ऐं पोइ उहो बैद में किताब जे रूप में बि आयो। पर हिन जे पुठियां भावना इहा हुई त सच खे लिकाए असां जेकॾहिं रेशमी रूमाल में ढके करे पेश कंदासीं त उन मां फ़ाइदो न पर नुक़सान ई पवंदो। दादा हींअर असां पंहिंजे कार्यक्रम जी समापन ते हलंदासीं, पर हिकु क्वेश्चन जो तमामु थोरे में मां जवाबु तव्हां खां ज़रूरु चाहींदसि त असांजे दर्शकनि मित्रनि खे ॿुधाईंदा त तव्हांजा ई बुक्स बि जेको भविष्य जी ॻाल्हि निकिती पए त तव्हांजा ई बुक्स बि पब्लिश थी चुका आहिनि, उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उहे प्लीज़ ॿुधाईंदा। दादी इहे तव्हां तमामु सुठी ॻाल्हि कई, असांजे साहित्य खे बचाइण लाइ जेतिरे क़दुरु थी सघे असांखे डिजिटल सिस्टम में वञणु खपे, ई बुक ऑडियो बुक्स करणु खपनि। मुंहिंजा ॿ किताब आहिनि, एक्चुअली टे किताब आहिनि, मनुष्य नगरी बि ई बुक जे रूप में आहे, ऑडियो बुक जे रूप में, तंहिंखां पोइ मुंहिंजी कहाणियुनि जो हिकिड़ो कलेक्शन आहे, 23 कहाणियूं आहिनि जंहिंजो नालो आहे, टाइटल आहे विरक्ति, उहो बि मुंहिंजो ई बुक आहे जेको इंटरनेट ते पढ़ी सघिजे थो, मुंहिंजी वेबसाइट ते आहे। उन सां गॾु हिकिड़ो ॿियो बि किताबु आहे जेको मूं ई बुक जे रूप में पेश करण जी कोशिशि कई आहे। हिन तरह जेकॾहिं असां साहित्य खे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सां पेश कंदासीं त असां दुनिया भर में उहो पहुचाए सघूं था, उन में कोई ख़र्चु कोन्हे, उहो सर्चेबल आहे, कॾहिं बि मिली सघे थो, ऐं असांखे शायदि सिंधीअ लाइ इहो ज़रूरी आहे, ख़ासि करे जेकॾहिं ऑडियो बुक्स कंदासीं जंहिंमें किताबु पढ़ियो न पर ॿुधो वेंदो आहे त उन में लिपीअ जो बि कोई मामिलो कोन्हे, ऐं असां लाइ वधीक में वधीक उहो लाभदायक थी सघे थो, सॼी दुनिया जे सिंधियुनि ते उहो पहुची सघे थो, उन में कोई ख़र्चु बि कोन्हे, काई महिनत बि कोन्हे, ऐं सॼी दुनिया हिन वक़्तु उन दिशा में ई वञी रही आहे, असांखे उन दिशा में ई वञणु खपे, असां लाइ त वधीक ज़रूरी आहे। मां सम्झां थी जेके असां सभई जेके पंहिंजी भाषा लाइ चिंता कयूं था, उनजे भविष्य जी चिंता कयूं था, त असां सभिनी खे दादा जी हिन ॻाल्हि ते बिल्कुलु गौर करणु खपे, ऐं जंहिंजे द्वारा त लिपि जो झगड़ो ई ख़तमु थी वेंदो, जंहिं असां सिंधियुनि जो वरी हिकु दफ़ो पार्टीशन करे छॾियो। ठीकु आहे न दादा? हा, सही ॻाल्हि आहे। दोस्तो हींअर असांजो समय पूरो थी चुको आहे, असां हिन विषय खे हिते समापन ॾींदासीं, ऐं हिकु ॻाल्हि मां ज़रूरु चवणु चाहींदसि त मूंखे ॻाल्हि हिते यादि अची वई कि पाकिस्तान जी जेका मलाल आहे जंहिं हिकु सेंटेंस चयो त वन पेन वन पेपर कैन चेंज द वर्ल्ड, त मां उन ई सेंटेंस खे दोहराईंदमि, पर बशर्ते कि उनखे सच चवण जी ताक़त हुअणु खपे। त दोस्तो हींअर असां अहिड़े हिकु व्यक्ति सां, अहिड़े हिकु शख़्स सां असां मुलाक़ात कईसीं त तव्हां सभिनी जे तरफ़ां मां दादा जो आभार मञींदुसि। दादा धन्यवाद तव्हांजो, तव्हां हिते आयो, ऐं दोस्तो वरी मिलंदासीं हिकु नए विषय सां गॾु, त इजाज़त ॾींदमि, मूंखे धन्यवाद तव्हांजो।